ओम नमस्ते जी। आज का विचार वैदिक विचार, आज का वैदिक विचार विषय है हम अपने शरीर को सजाएं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 170 सूक्त के चौथे मंत्र से यह सूक्ति ली गई है, अरम किण्वन्तु वेदीम। यह यज्ञ वेदी, शरीर वेदी, अर्थात जैसे हम यज्ञ की वेदी को, जो यज्ञ करते हैं वो जानते हैं कि यज्ञ की वेदी को यजकों को रोली से, कुमकुम से अलंकृत करते हैं, सुभाषित करते हैं, सुंदर से उसको सजाते हैं, उसी प्रकार से शरीर रूपी जो वेदी है जिसमें रहने वाला आत्मा है उसको भी दिव्य गुणों से सुभाषित करें, सुभूषित करें, सुंदर गुणों से उसको युक्त कर दें। आप सोचेंगे कितनी बड़ी बात कही गई, शरीर को सजाओ। तो यह मतलब नहीं कि हम कहीं ब्यूटी पार्लर में जाकर के उस शरीर पर क्रीम पाउडर लगाएं। वेद के उक्ति कहती है अरम किण्वन्तु वेदीम, इस शरीर रूपी वेदी को सजाओ। मातृभूमि के प्रति प्रेम और अनुराग आदि दिव्य गुणों से अलंकित करो। हमारे जीवन के अंदर दया होना चाहिए, दाक्षिण्य होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मधुरता, नम्रता, तितिक्षा, सहनशीलता, परोपकार, परसेवा, राष्ट्रभाषा, वैदिक संस्कृति और मातृभूमि के प्रेम आदि होना ही वास्तव में हमारे शरीर को दिव्य गुणों से अलंकित करना कहलाता है। इसलिए बंधुओं, हम अपने शरीर को सजाएं। एक कहानी मुझे याद आती है, एक व्यक्ति जो दार्शनिक व्यक्ति था, विद्वान था, उसको निमंत्रण दिया शादी के लिए सेठ ने। जो जैसा था वैसा उठ के वो चला आया। जैसे ही वो उठ के चला आया तो वह सेठ बड़ा नाराज हुआ, कहने लगा कि अरे मैंने आपको विवाह में आमंत्रित किया था, आप तो ऐसे फटे हुए हाल में आ गए, जैसे थे वैसे उठ के चले आए, जाओ कुछ अच्छी सी ड्रेस पहन के आओ। जब वह ड्रेस पहन के आता है, अच्छी सी वेशभूषा पहन करके आता है, देखते क्या है, जब भोजन के स्टॉल पे जाता है तो पूरे शरीर और पूरे वस्त्रों को वो भोजन डालता जा रहा है, चम्मच से लेता, खुद नहीं खाता, उसको डालता जाता है। सेठ देख कहता है कि तुम मुझे क्या अपमानित करने के लिए आए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह विद्वान बड़े नम्रता से हाथ जोड़ के कहता है कि श्रीमान आपने ही तो कहा था कि आप शरीर से आप सज धज के आओ, इसका मतलब मैं समझ गया कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं है, इन कपड़ों का ही मूल्य संसार के अंदर है, इसलिए मैं संसार में जो मुझे आपने निमंत्रण नहीं दिया, मेरे इन कपड़ों को निमंत्रण दिया, इसलिए मैं इन कपड़ों को खिला रहा हूँ। बंधुओं, नीति सत्कम में एक श्लोक आता है, श्रोत्रम श्रुत नैव न कुंडलेन, श्रोत्रम श्रुत नैव न कुंडलेन, दानेन पाणिन तू कंकणेन, विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण चंदनेन। जो हमारे कान हैं उनकी शोभा कुंडल से नहीं है, अपने वेद आदि शास्त्र पढ़ने से होती है। हमारे हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती है, दान देने से होती है, सुपात्रों को दान देने से होती है। विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारी न चंदने न, दयालु और सदाचारी मनुष्यों का जो शरीर है परोपकार करने से सुगंधित होता है, सुभाषित हो जाता है। इसलिए बंधुओं, इस शरीर को हम सुंदरता से करें, इस शरीर को चंदन लगाने से सुशोभित नहीं होता। हाँ, ये जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम स्नान आदि करें, चंदन आदि हरी लेप कर लें, हम सुगंधित पदार्थों को लगा लें, वो अलग चीज़ है, परंतु इस शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है उसको भी आप सजाओ। बंधुओं, आप सुन रहे थे आज का वैदिक विचार, आज का विचार वैदिक विचार, आज का जो मंत्र था वो कह रहा था कि हे मनुष्य आओ, अपने इस शरीर रूपी वेदी को अच्छे गुणों से सजाओ, इसके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है उसको अलंकित करो। आप इसी प्रकार से वैदिक विचारों को, वैदिक सिद्धांतों को, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विषयों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें। आइकॉन जो बेल का बटन है उसको दबाएं और आप वेद मंत्रों को, वैदिक संदेशों को, वैदिक विचारधाराओं को सुनते रहें। ओम शांति 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 ओम।